अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल काशिफ मोटर के नाम से। तो आज एक बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बनाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। एक बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, एक बड़ी बहुत ही ज़रूरी, जब रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक वीडियो आज मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था, जो कि बहुत ज़रूरी है। गर्मियों के मौसम है, गर्मियों के मौसम में काफ़ी एहतियात करनी चाहिए बेसिकली टायरों के हवाले से। तो आए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछले दिनों में एक बहुत ही एक बड़े आर्मी ऑफिसर, जो कि उनका गाड़ी बुलेट प्रूफ होने के बावजूद टायर फटा और जाने ज़ाया हुई, इसलिए टायर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज बात करते हैं इसी वाले से। नंबर वन, आप लोग टायर जब फट जाता है गाड़ी का तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद को फौरी तौर पर चौकस करें और असाब को नॉर्मल करें और एतबाद के साथ इस सिचुएशन को संभालें, क्योंकि इस वक्त आपकी गाड़ी बेकाबू हो रही होगी। तो आपका काबू में रहना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ अब आपके कंट्रोल में है और अब आपने गाड़ी को भी काबू करना है, ठीक है। नंबर वन ये, स्टीयरिंग व्हील को मज़बूती से दोनों हाथों से पकड़ लें, किसी भी किस्म की कट मारने या मोड़ने की कोशिश ना करें, अगर मुमकिन हो तो लाइट का बटन दबा दें, मगर ज़रूरी नहीं। अपने शीशों की मदद से पीछे की ट्रैफिक पर तवज्जो मरकूज़ करें और सड़क पर ध्यान रखें, गाड़ी की हरकत को महसूस करें कि वो किसी जानब पुल कर रही है, किस जानब खिंच रही है या नहीं खिंच रही, वो चीज़ को नोट रखें। जिस तरफ का टायर फटा है गाड़ी इस तरफ को मुड़ेगी या खिंचेगी, लिहाजा आपकी स्टीयरिंग पर ग्रिफ्त मजबूत तरीन होनी चाहिए। नंबर थ्री, धीरे धीरे एक्सीलेटर से पाँव हटाएं और कभी भी ब्रेक ना लगाएं। ब्रेक नहीं लगानी, क्योंकि 90% इम्कान है कि जूँ ही आप ब्रेक लगाएंगे गाड़ी उलट जाएगी, गाड़ी की स्पीड खुद कम होती जाएगी और आपको इस वक्त ये ख्याल रखना होगा कि सड़क पर मौजूद दीगर गाड़ियों से खुद को कैसे बचाना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, खुद को कैसे बचाना है, क्योंकि आपकी जान कीमती है। नंबर फोर, अपने स्टीयरिंग को काबू में रखें मजबूती के साथ और नज़र और तवज्जो सड़क पर रखें। नंबर फाइव, इस वक्त तक आपकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड से तनासब से काफ़ी कम हो चुकी होगी, लगभग 60 किलोमीटर तक आपकी स्पीड आ जाएगी। ये वक्त है जब आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगा सकते हैं, मगर यकदम नहीं। मकसद ये है स्पीड को कम करना, रोकना। अब आप गाड़ी को सड़क के किनारे की तरफ ले जाने की पोजीशन में हैं और इशारा भी दे दें ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियों को आपकी हरकत का अंदाज़ा हो सके, गाड़ी को अपनी बाएं जानब ले जाकर रोकने के लिए तैयार हो जाएं, बाएं जानब ले जाकर रोकने के लिए तैयार हो जाएं। नंबर सिक्स स्टेप जो आपने करना है वो लेना है, वो क्या है वो आपको बताता हूँ। अब बलाखिर महफूज हैं और गाड़ी को रोक सकते हैं, गाड़ी को रोकें और इंजन बंद कर दें, बजर लाइट जो जलाई थी उस और उतर कर गाड़ी के फटे हुए टायर का जायज़ा लें। कई बार रगड़ लग रहे तो सब मुसाफिर को गाड़ी से उतार दें और अगर आपके पास आग बुझाने का आला है तो फौरी तौर पर इसकी मदद से आग बुझाएं, वरना पानी या मिट्टी से भी ये काम किया जा सकता है। अगर किसी वजह से आग बुझाना मुमकिन ना हो तो गाड़ी से दूर हट जाएं और किसी भी दूसरी गाड़ी से मदद तलब करें, शायद एक बुझाने का आला मिल जाए। बैंक या खौफज़दा ना हो, क्योंकि अभी भी आप अपनी और अपने साथियों की जान बचा ली है। अगर आग नहीं लगी तो गाड़ी और टायर को ठंडा होने दें और फिर टायर बदलें। आखिरी बात याद रखिएगा कि ड्राइवर का तजर्बा कार होना और मजबूत एहसाब का होना लाजमी है। अनाड़ी ड्राइवर हमेशा खौफजदा होकर ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी उलट जाती है, जिससे जानी नुकसान का अंदेशा है। ये बात याद रखें कि ऐसे मौका पर गाड़ी में मौजूद सब लोग डरे हुए होंगे, किसी की मत सुने और सिर्फ सड़क पर और गाड़ी पर तवज्जो मरकूज़ करें, क्योंकि ड्राइवर आप हैं और वो नहीं। हो सकता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को मुफीद समझें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी मुफीद साबित होने वाली है आपको। शायद इस इन्फॉर्मेशन से कोई फ़ायदा कभी मिल जाए, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसे हादसे में आप मुब्तला हो जाएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आगे शेयर करना, अच्छी बातें शेयर करना सदका जारिया होता है। तो इंशाल्लाह मैं रिव्यूज़ भी लेके आता रहूँगा इसी चैनल पे। काफ़ी दिनों से कोई अपलोड वीडियो नहीं कर सका कुछ मसरूफियत की वजह से, अब दोबारा फिर मैं आ चुका हूँ, तो इंशाल्लाह वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने गिर्दो नवा रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।